हेलो पेरेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस टाइप के मैथ कि मेंटल मैथ बोले तो बेसिक मैथ में इसको सॉल्व करेंगे। पहले समझते हैं हेडिंग को। हेडिंग इसका है कि राइट दी फ्लोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज सोन। जिनको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता है तो ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, एक्सपेंडेड पे। एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड का मतलब होता है विस्तृत, विस्तृत विस्तार से लिखें। एक्सपेंडेड मीन्स विस्तार से लिखें, तो ये हो गया। तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स, जो नीचे नंबर दिया गया है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने कह रहा है, लिखने बोल रहा है। तो लिखेंगे इसको, देखिए कैसे बनाते हैं। यस, पहले ए में शुरू करेंगे, 73 है। तो 73 जो है इसको क्या करेंगे कि हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई दहाई, इंग्लिश मीडियम में इसको क्या बोलते हैं, वंस टेंस। तो हम पहले टेंस को लिखेंगे, कितने टेंस है, सेवन टेंस, सेवन टेंस हो गया। और प्लस प्लस थ्री वंस, तीन इकाई और सात दहाई, थ्री वंस सेवन टेंस, ये हो गया। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ये एक हो गया। और अगर इसको दूसरा टाइप से लिखना चाहते हैं तो इसको इकाई दहाई के हैं, तो दहाई में से सेवन टेंस, सेवन टेंस मतलब होता है 70 और प्लस थ्री वंस मीन्स थ्री। दो तरह से इसको हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड मीन्स विस्तार से लिखना या विस्तृत रूप। तो 73 का सेवन टेंस प्लस थ्री वंस मतलब सेवन टेंस मतलब 70 और थ्री वंस मतलब थ्री। तो 70 प्लस थ्री को जोड़ेंगे तो 73 आ जाएगा और ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ऐसे भी लिख देंगे तो चल जाएगा और ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा। तो उसी तरह से इसको हम स्टार्ट करेंगे। बी में बी का एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा टू टेंस, इसको इकाई दहाई और इंग्लिश में बोलेंगे वंस टेंस। टू टेंस प्लस नाइन वंस, नाइन वंस, नाइन वंस हो गया। तो नाइन वंस, अब यहाँ पे दूसरा तरफ दूसरा रूप में कैसे करेंगे, टू टेंस मतलब 20 प्लस नाइन वंस मतलब नाइन हो गया। 20 और नाइन को जोड़ेंगे तो 29। उसी तरह से इसको सी को बनाएंगे, सिक्स टेंस वंस टेंस, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, सिक्स टेंस प्लस वन वंस, ये वन वंस। अब इसको दूसरा तरफ से कैसे लिखेंगे, सिक्स टेन मतलब 60 और प्लस वन वंस मीन्स वन, 60 प्लस वन 61। डी को बनाएंगे उसी तरह से, वंस टेंस मतलब थ्री टेंस प्लस फोर वंस, फोर वंस, ये हो गया। इसको दूसरा रूप, थ्री टेंस मतलब 30 प्लस फोर वंस मतलब फोर, हो गया 34। इसका उसी तरह से लिख देंगे, एट टेंस प्लस फाइव वंस बराबर इक्वल टू 80 प्लस, एट टेंस मतलब 80 प्लस फाइव मतलब फाइव,
उसी तरह से एफ को बनाइएगा, बना लीजिएगा एफ को, इसको छोड़ते हैं आप लोग पे, बनाइएगा इसको। इंग्लिश मीडियम जो मैथ है ज़्यादा कुछ रहता नहीं, बस इसको हेडिंग को समझना रहता है, हेडिंग को समझ गए तो बहुत आसानी से बन जाता है। समझते रहिए।